एवरीबॉडी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देखिए आनंद और आप सभी का प्रेम और दुआ के वजह से आज 3 मई 2019 के सामने मैं नेपाल पहुंच गया सलामती से और बहुत अच्छा रहा मेरा यात्रा और मेरी यात्रा का अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा और ख़ास तौर से हमारे अरुणाचल के वासियों जो कि अपनी आँखों का इलाज के लिए नेपाल आना चाहोगे उन लोगों के लिए बहुत ही यह संदेश खास रहेगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैसेज रहेगा तो ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 मई 2019 तारीख में नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ा और सीधा गुवाहाटी चला आया। 3 तारीख का सुबह मैं गुवाहाटी पहुंचा और वहां से फिर मैंने गुवाहाटी एयरपोर्ट की ओर गया। गुवाहाटी एयरपोर्ट से मैं फ्लाइट लिया बागडोगरा के लिए, बागडोगरा जो कि वेस्ट बंगाल राज्य में है, और बागडोगरा से फ्लाइट उतर कर फ्लाइट से उतर के मैं काकरभिटा आया टैक्सी के द्वारा। और बागडोगरा एयरपोर्ट से लेके काकरभिटा तक जो है 500 रुपया लगता है और काकरभिटा जो है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। फिर काकरभिटा से आपको आना है विराट नगर और वहाँ में आने के लिए 2 माध्यम हैं। आप बस से आ सकता है या फिर टैक्सी से आ सकता है। बस से आने से आपको कम खर्चा में पहुँचेगा और टैक्सी से आने से आपको इंडियन करेंसी में आपको 2500 लगेगा और नेपाल करेंसी में बोलने से 4000 रुपया लगेगा। तो आपके बजट के हिसाब से आप पहुँच सकता है विराट नगर में और अगर आप टैक्सी से आते हो तो आप जल्दी पहुंचेगा। और फिर जो कि कम बजट वालों लोग के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा, गुवाहाटी से आप बागडोगरा के लिए भी आप सीधा ट्रेन से भी आ सकता है। अगर आप फ्लाइट से नहीं आएगा बोलने से आप बाया ट्रेन और बाया बस सर्विस लेके भी आप आ सकता है। फिर आप जब विराट नगर में पहुँच जाएगा तो यहाँ में बहुत सारा होटल है, कई होटल में आपके बजट के अनुसार आप ले लीजिएगा रूम। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली मैनर्स है और बहुत ही अच्छा अतिथि सत्कार करता है और वह लोग आपको मदद करेगा। हॉस्पिटल कहाँ है, कैसे जाना है और किस प्रकार से सुबह में आपको अपना नाम एंट्री कराना है, हॉस्पिटल में एक टिकट लेना है, वो सारा चीज़ जो है आपको मदद करेगा। तो आप कुछ भी टेंशन ना लीजिएगा लेकिन अपने पास ज़रूर अपना एक आईडी प्रूफ रखिएगा, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, एक आईडी प्रूफ आप ज़रूर अपने पास में रखना ना भूलिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। जय हिंद।